हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममिता और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्वीट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत इजी और 2 मिनट में बन जाएगी झटपट। आज मैं जो बनाऊंगी वो है एप्पल जैम। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, मैंने यहां पे एप्पल ले लिया, एक नींबू, अदरक, मैंने ये ऐसे पेस्ट करके अदरक रखी। अगर आप चाहे तो इसमें सूखा हुआ जो जिंजर पाउडर मिलता है बाजार में वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी रखी हूँ और चीनी। इससे मेरा बन जाएगी एप्पल जैम। और ये जो एप्पल है इसको मैंने ग्रेट करके रख दिया है, इसके ऐसे ग्रेट करके रख दिया है। तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने गैस ऑन कर देती हूँ। मैं 1 चम्मच घी दे रही हूँ यहाँ पर। मेरा घी गर्म हो गया है, अभी मैं यहाँ पे एप्पल लेती हूँ। 1 किलो एप्पल है और 300 ग्राम मैंने चीनी ली है। अभी मैं बना रही हूँ एप्पल जैम। एप्पल जैम बनाना बहुत इजी है। एप्पल और अगर चीनी मिला दीजिए हो जाएगा। एप्पल को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अभी मैं यहाँ पे ये अदरक का पेस्ट है, करीब 2 चम्मच अदरक का पेस्ट दे रही हूँ। इसके बदले आप सूखा हुआ जिंजर पाउडर भी दे सकती हैं। एप्पल भून गई है, अभी मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एप्पल जैम अच्छी लगती है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जो ताकि आने वाला जो भी मैं रेसिपी दूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो अभी मेरा भूख है, मैं ये पे जो चीनी है 300 ग्राम चीनी दे रही हूँ। फिर एप्पल तो मीठा होती है। उससे बाद मैं देखूंगी एक बार चेक करके, अगर मीठा कम लगे तो थोड़ा बहुत चीनी मैं ऐड करूंगी। फिलहाल मैं इसे पकने देती हूँ 10 मिनट के लिए, रेडी होने। मेरी जैम ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एक थोड़ा और मुझे पकाना पड़ेगा और मैं पहले मैंने 300 ग्राम चीनी मिलाई थी, मैं अभी और 100 ग्राम चीनी दे रही हूँ। मुझे लगा एप्पल के ऊपर निर्भर करते हैं ना, एप्पल कितना खट्टा है कितना मीठा है उसी हिसाब से मैं 100 ग्राम चीनी और मिला दिया। कुल मिला के 400 ग्राम चीनी यहाँ पे ऐड किया। अभी मैं इसे कुछ देर के लिए पकाऊंगी। मेरी जैम रेडी हो गई है, देखिए
नींबू का रस दे देती हूँ। ये पिज़्ज़ा में इतना काम करता है, इसके बदले आप शक्कर भी डाल सकते हैं। ज़्यादा दिनों के लिए इसको रखना है एक कांच के बर्तन में, इसे रख सकते हैं। एप्पल जैम रेडी हो गई है। इसका ऐसे कांच के कंटेनर में रख देंगे तो ये 7-10 दिन के लिए तो रहेगी, कुछ ख़राब नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी एप्पल जैम अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।